शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो यज्ञ में निमंत्रण गया तो बाबा ने कहा, बच्ची तो बाबूजी ने कहा हम नहीं जाने देंगे, ये कानपुर की गंगा है, कानपुर की गंगा, भारत की गंगा यहीं बहेंगी, और हम अगर एक बार इन्हें छुट्टी दे देंगे तो पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको अपना खतरा था। तब बाबा ने आनंद किशोर दादा को और बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी भेजा। अब तैयारी तो हो गई, टिकट तो है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, यज्ञ में पैसा है नहीं, कहाँ से भेजेंगे। तब बाबूजी ने कहा कि टिकट हम देंगे, तो जापान जाने का आने का टिकट बाबूजी ने दिया, कानपुर से मिला। तब केवल एकमात्र धनवान सेंटर कौन सा था, कानपुर का नाम था, और दिल्ली में भी नहीं था कि जापान जाने का कोई दे सके। तो बाबा ने दीदी को पता क्या कहा, बाबा तो सीधा बच्चों को जो मर्जी कहे, दीदी तेरी तो ठिक्कर की दिल्ली है, देख गंगे का सेंटर। मना उमंग भरते थे, इतनी मेहनत करो ऐसे लाल पैदा करो, दिल्ली ठिक्कर की दिल्ली, ठिक्कर की दिल्ली। तब दीदी को जोश आया कि बाबा ठिक्कर की दिल्ली कहता है। तो जब वहाँ गए तो सेवा किया, और फिर जापान का जो निमंत्रण, तो तीनों एक महीना रह के सेवा किया। और बाबा ने कहा, बच्चे वहाँ तुम्हें जो मिलता है एक टका लेके नहीं आना, वो सारे पैसे लिटरेचर छपा के वहीं बांट जाओ, भारत में विदेश का पैसा नहीं लेके आना। जाओ जाओ खाली हाथ आओ। तो उसे बाबा ने सेवा कराई, और आज सारे विश्व में सेवा हो रही। तो जापान का निमित्त भी कानपुर बना, और आपको पता नहीं सिंगापुर का भी कानपुर से खुला है, और हांगकांग का भी कानपुर से खुला है। एक ओम प्रकाश थे, एयरफोर्स में सार्जेंट थे, उनका उनके कार्यशैली से उनको बुलाया गया सिंगापुर ने, तो सिंगापुर का सेंटर उन्होंने खोला। विजय भाई पता है, जिसकी बच्ची बिंदु दिव्या बहन के पास है, ओम प्रकाश सरोज एयरफोर्स में थे, छोटी थी ना वो गोदी में, सबके पहुंच जाती थी, दादियों के दीदियों के सबके, तो उन्होंने वहाँ खोला। और जो अपने ये थे ना, अरे राम दादा और सावित्री, राम सावित्री, इन दोनों ने जाके हांगकांग में खोला। सुना, तो ऐसा नहीं है यूपी ने क्या क्या किया है। और उस जमाने से जब कठिन परिस्थितियों से यज्ञ गुजर रहा था, और पहला, तो इस तरह से बाबा ने बहुत कुछ किया, और बहुत कुछ सबको सिखाया, कार्य करना सिखाया, और निराधार भी बनाया। बाबा हमेशा मिसाल देते थे, आज की बोले आप कहेंगे निराधार बन के कैसे सेवा करेंगे, तो बाबा कहते हैं संपर्क सबका, सहयोग सबका, साथ सबका, उंगली सबकी, लेकिन किसी का आधार नहीं। तो बहुत अच्छा मामा ने मिसाल दिया कि जब लड़की शादी करके आती है तो 80 साल के दादा से लेके छोटे बच्चे, नौकर चाकर सबकी सेवा करती है, और सब उसके रिश्तेदार आधार होते हैं। जीवन साथी किसको मानती है, सबको, जीवन का आधार किसको मानती है, सब होते भी आधार एक का है, उसके दिल का, जीवन का, मन का, जीवन का साथी वही होता है, दूसरा मेरा निभाएगा कोई, अगर वो चला गया बदकिस्मती से तो सबको क्या करेगी, सबको आधार मानेगी अपना, कहेगी मेरा तो आधार खत्म, सूरज अस्त हो गया, अंधेरा आ गया। इसी तरह से सबके होते हुए, सबका सहयोग लेते हुए, सबको सम्मान करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, बना दिल से किसका सहारा है, तो निराधार। बाबा कहते जब छत पड़ती है तो बांस, बल्ली और चहली सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जब छत पक्की हो जाती है तो ये सब आधार नहीं होते हैं, छत खड़ी हो जाती है।
तो कर्मातीत बनना है तो निराधार भी बनना है।